हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। जैसे कि आप सबका बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन पे सर वीडियो बनाइए। एक्चुअली बिजनेस कम्युनिकेशन पे वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस का पेपर पैटर्न डिफरेंट सेट हुआ था, बट मेरे पास अभी तक दो क्वेश्चन पेपर, दो कॉलेज है जहाँ पे पेपर हुआ है वहाँ का पेपर मेरे पास आया है। तो वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस में दो कॉलेजेस का पेपर जो मैंने एनालिसिस किया, 50 मार्क्स का उनका MCQs था प्लस आगे जो 50 का था वो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था, उसमें भी जो पेपर पैटर्न सेटअप हुआ है उनका ध्यान से देखना है और उसी वे में आपको समझना है किस तरीके से आपका ये पेपर कवर करना है। आपको फर्स्ट जो चैप्टर आप देखोगे, चैप्टर वन को उन्होंने क्या किया, चार पार्ट में आपके टेक्स्ट बुक में डिवाइड किया गया, चार पार्ट में यूनिट की अगर मैं बात करूँ, यूनिट वन को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था कौन सा चैप्टर करना, कौन सा टॉपिक करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या देखो, यूनिट वन से उन्होंने उसका वेटेज 20 मार्क्स का किया था। जो अभी तक मुझे दो क्वेश्चन पेपर मिले मैं उसके बेस पे एनालिसिस पेपर किया हूँ। 20 मार्क्स का लॉन्ग आंसर प्लस 10 मार्क्स का आपका शॉर्ट नोट्स, मतलब अगर ये क्वेश्चंस आप करते हो तो 30 मार्क्स। आप लेटर वाले पार्ट की मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, तो मतलब यहाँ ध्यान देना, दो लॉन्ग आंसर यहाँ मेंशन कर देता हूँ मैं। ये जो यहाँ से आप क्वेश्चन कवर करोगे तो मीन्स आपका दो लॉन्ग आंसर प्लस आपका शॉर्ट नोट्स 10 मार्क्स का जो आने वाला है। दो लॉन्ग आंसर मीन्स आपका वेटेज हो जाएगा 20 एंड वन शॉर्ट नोट्स का वेटेज आपका हो जाएगा 10, इट मीन्स 30 मार्क्स का आपका वेटेज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। 20 मार्क्स के लेटर को मैं यहाँ पे आपका नहीं बता रहा हूँ, लेटर वाले पार्ट को मैं यहाँ पे नहीं काउंट किया हूँ। अब ध्यान देना यहाँ पे सिंबल से क्या बोल रहा हूँ, पहले यूनिट को चार पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने बताया मोस्ट ऑफ कॉलेजेस में जो ऑप्शन मिला है इसमें एनी वन आउट ऑफ थ्री का ऑप्शन मिला है। ज्यादा करके कॉलेज जितना भी, मतलब मैंने दोनों पेपर में देखा दोनों में उनको यही मिला है एनी वन आउट ऑफ थ्री, तो वो स्टूडेंट के लिए काफी बेस्ट है। मतलब तीन में से अपने को एक ही सेलेक्ट करना है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पे। एक तो सिंपल सा वे होता है, जो स्टूडेंट अगर आप इतने तो 12th लेवल से बाहर गए हो तो आप इतना सेंस लगाओ कि अगर मेरे पास चार चैप्टर है, चार में से मैं कोई भी दो परफेक्ट कर लूँ, तो कोई भी दो अच्छे से कर लेता हूँ तो मेरा ये 30 मार्क्स पूरा हो जाते हैं। मतलब दो को ऑप्शन में हटा सकता हूँ, मैं दो को ऑप्शन में हटा दूँ, क्लियर। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या करूँ, देखो चैप्टर वन चैप्टर टू को कम नहीं किया क्योंकि चैप्टर टू से क्वेश्चन मोस्ट ऑफ लॉन्ग आंसर में ना के बराबर दिखते हैं, और दो पेपर सेट जो मेरे पास आया था उसमें भी लॉन्ग आंसर वहाँ पे मुझे मिला नहीं है, शॉर्ट नोट्स में क्वेश्चन वहाँ से बनते हैं। लॉन्ग में कौन कौन सा पूछा, चैप्टर वन जिसका नाम है आपका ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू, सेकेंड से शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन बना है, थर्ड आपका कमिटी एंड कॉन्फ्रेंस, इंपॉर्टेंट है ये भी कॉन्सेप्ट, लास्ट आपका पब्लिक रिलेशन, पब्लिक रिलेशन से भी लॉन्ग आंसर यहाँ पे क्वेश्चन आपका बना है, क्लियर। अब यहाँ पे देखो सिंपल सा आपको क्या करना है, जो अब आपके सिलेबस में तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन है बट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में भी आपके प्रीवियस ईयर में आए थे, प्लस ये दो पेपर को एनालिसिस करने के बेस पे ही मैंने यहाँ पे दिया है, क्लियर। चैप्टर अगर मैं वन की बात करूं तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का एडवांटेज बेनिफिट आपको मिलेगा शॉर्ट नोट्स में, क्योंकि कोई भी एक टाइप उठा के दे देंगे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए, इसलिए टाइप्स ऑफ इंटरव्यू मैं सजेस्ट करूंगा सबसे पहले आप सेलेक्ट करना, क्लियर। सेकेंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटरव्यू, किसी भी टॉपिक में पूछा नहीं गया है बट फिर भी मैंने ऐड किया है, ध्यान रखना सबसे फर्स्ट आपको कवर करना है ये वाला क्वेश्चन टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, अच्छे तरीके से कवर करना है शॉर्ट नोट्स में भी अपना, मतलब इस वे में कोई भी अगर आप चैप्टर पिक करो तो इस वे में करना कि शॉर्ट नोट्स भी ऑलरेडी कवर हो जाए आपका, फर्स्ट आपको ये। सेकंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन, सेकंड ये याद रखना, लास्ट में इसको रखना, मतलब इससे पहले कौन सा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करोगे याद करोगे, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, सेकंड आप कौन सा ये कंपोनेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन का देखो अगर लॉन्ग में नहीं आया तो कॉमन सी बात है वहां पे आपको शॉर्ट नोट्स में दिखेगा, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स वाले पार्ट में दिखेगा, याद रखना, ऐसा नहीं कि आप इसको हटा नहीं सकते हो, शॉर्ट नोट्स में भी इसका बेनिफिट दिखेगा, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है ग्रुप डिस्कशन एक्सप्लेन करने के लिए बोलेंगे वहां पे। पहला चैप्टर पिक किया तो तीन क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ही आपको जो करना है आप करना, बट ये तीन सबसे पहले आपको कवर करना है चैप्टर नंबर वन से। चैप्टर टू से नहीं दिया, उसके बाद चैप्टर थर्ड सेलेक्ट किया जहां से क्वेश्चन यहां से ही बनेंगे। देखो एनी थ्री तो कॉमन सी बात है भाई, आपको क्या करना है तीन में से कोई एक
तो जो दोनों पेपर में ज्यादा करके क्वेश्चन बने थे उन्होंने क्या किया था, यही चारों यूनिट का यूज करके तीन क्वेश्चन ऊपर तीन क्वेश्चन नीचे कर दिया था। क्लियर? अब ऐसा नहीं है कि पहले क्वेश्चन में दो क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है, एक ही क्वेश्चन वहां से पिक करेंगे वो लोग। इसीलिए मैंने बोला पहले में तो बेनिफिट मिल गया कि जैसे टाइप्स ऑफ इंटरव्यू हो गया, हो सकता है क्वेश्चन नंबर टू में वहां पे आपको कंपोनेंट ऑफ ग्रुप डिस्कशन मिल जाए। क्लियर? क्या बोलो, समझ में? अब जैसे यहाँ पे देखो, आप क्या बोल रहा हूँ मैं, ये आपका हो गया चैप्टर नंबर थर्ड, आपका चैप्टर नंबर थर्ड मीन्स कमिटी एंड कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन। क्लियर? अब यहाँ पे मैंने चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे, और भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक में है, बट चार मेरे अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे पिक किया। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन नंबर वन लॉन्ग आंसर की मैं बात करूँ, उसमें क्वेश्चन आपको आ गया व्हाट इज ए कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कस स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग ए सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस। ये मान लो पहले में आ गया, हो सकता है सेकंड में ये आ जाए आपका, मीन्स कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस आ जाए। तो मतलब अगर सिंपल सा ये टॉपिक पूरा प्रैक्टिस किया तो उसका जगह दोनों बेनिफिट मिलेगा। मतलब ये बोलना चाहता हूँ मैं, एक चैप्टर दो तीन, और चैप्टर के बेस पे आप देख रहे हो चैप्टर नंबर मैंने क्या बोला, ये वन है, ये थ्री है, ये फोर है। सिंपल सा पहले तो आपको ये कर लेना है कि तीनों नहीं करना है, तीन में से दो ही करना है। सबसे पहला आपको जो करना है, आप तो या तो पब्लिक रिलेशन को हटा दो या तो इसको हटा दो, दो में से एक को पहले सेलेक्ट कर लेना कौन सा आपको हटाना है। क्योंकि देखो वही ऑप्शन मिलने वाले, ऐसा नहीं है कि लॉन्ग आंसर में मतलब एक ही चैप्टर का पूरा क्वेश्चन रख दे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सिंपल सजेशन ये है कि जो टॉपिक आप पिक कर रहे हो अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही मिलता है आपको। मतलब लिमिटेड क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट को पहले प्रेफरेंस आपको देना है। अब इसकी बात करूँ जो सिंपल सा आपको समझ में आ गया, मतलब चार यूनिट है, चार में से मीटिंग वाले को तो मैंने ऑलरेडी पहले से हटा दिया। क्यों? क्योंकि मैंने बोला लॉन्ग वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग से बने नहीं है, बनते भी है तो कोई इशू नहीं आएगा, हमारा यहाँ से ऑलरेडी कवर हो जाता है। इनके अगर आ गया तो कोई इशू नहीं, यहाँ से है बट उसका चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैंने वो टॉपिक को पहले हटा दिया। क्लियर? अब ये तीन में से आपको सेलेक्ट करना कौन सा हटाना, तो मेरा सजेशन ये है कि ये वाला तो कंपलसरी आप करो। क्लियर? क्योंकि यहाँ से शॉर्ट नोट्स कंपलसरी आपके बनते ही बनते हैं, इनकेस कभी फर्स्ट चैप्टर से आपके दो शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे तो 10 मार्क्स ऑलरेडी यहीं से कवर हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए फर्स्ट चैप्टर को तो ऑप्शन में मत रखो, थर्ड वाले को अदरवाइज पब्लिक रिलेशन को रख लो, सबसे बेस्ट है। बट जो टॉपिक आप करोगे, जो ऑप्शन में रख लो ठीक है, साइड करो, बट जो करोगे वो परफेक्ट तरीके से आपको करना है। क्लियर? अब ये कमेटी एंड कॉन्फ्रेंस की बात करो, क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। नंबर वन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो रखा, व्हाट इज ए कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कस करना है स्टेप्स इन ऑर्गेनाइजिंग ए सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस, पहला क्वेश्चन ये है। सेकंड, एक्सप्लेन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ कॉन्फ्रेंस। सेकंड क्वेश्चन, कॉन्फ्रेंस का क्वेश्चन ज्यादा आपको दिखेगा यहाँ पे। क्लियर? लास्ट, स्टेट एंड मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्फ्रेंस। ये तो बोर्ड का क्वेश्चन, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने पिक किया है। क्लियर? तीन क्वेश्चन इसका, किसका? कॉन्फ्रेंस का एंड कमेटी का। एक क्वेश्चन मैंने पिक किया, डिफाइन कमेटी एंड डिस्क्राइब हाउ डिफरेंट कमेटी कैन कंट्रीब्यूट टू द सक्सेसफुल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। चैप्टर टू जब आप करते हो तो सबसे पहले कॉन्फ्रेंस वाले पार्ट को करना, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस। अगर कॉन्फ्रेंस ही नहीं हो रहा तो कमेटी पे आप जाओ मत, सबसे पहले कॉन्फ्रेंस वाले पार्ट को आप अच्छे तरीके से कर लो। क्लियर? सजेशन ध्यान देना कि कॉन्फ्रेंस वाला पार्ट पहले आपका क्लियर होना चाहिए। लास्ट में अगर कोई इनकेस कोई स्टूडेंट जो कमेटी एंड कॉन्फ्रेंस को ना करके वो पब्लिक रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट को करना चाहता है, कोई इशू नहीं है, दो में से कोई एक सेलेक्ट कर ला, कोई भी कर सकते हो। यहाँ मैंने तीन क्वेश्चन इंपॉर्टेंस रखे हैं। डिफाइन पब्लिक रिलेशन, व्हाट आर द मेथड एंड मेथड आर एम्प्लॉयड बाय पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट टू क्रिएट गुड एक्सटर्नल रिलेशन, पहला क्वेश्चन आपका ये है। सेकंड क्या बोला, हाउ डज पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट कम्युनिकेट विद इनसाइड पब्लिक, एंड लास्ट क्वेश्चन आपका डिस्कस इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स। तीन क्वेश्चन पब्लिक रिलेशन का है। आई होप बिजनेस कम्युनिकेशन के 30 मार्क्स का प्रिपरेशन किस वे में आपको करना है, एंड ये टॉपिक से एमसीक्यू सबसे बेस्ट है, सबसे अच्छे तरीके से आप कर लेना। लेटर वाले पार्ट का इग्नोर, यहाँ पे मैंने काउंटिंग नहीं किया, तो मोस्ट ऑफ काफी नंबर अच्छे स्कोर आप इससे कर सकते हो, पहले तो ये इसकी इस पार्ट से, बाद में आप लेटर पे फोकस करना। मैंने सिंपल सा यहाँ पे जो आपको स्ट्रेटेजी दी है, आप सेलेक्ट करो दो टॉपिक, दो में मीटिंग को मैंने इग्नोर किया है। जब ये टॉपिक आप लोगे तो ये भी ध्यान में रखना है, इंटरव्यू टाइप्स ऑफ इंटरव्यू से शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन बनते हैं, ग्रुप डिस्कशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन बनते हैं,
कमिटी कॉन्फ्रेंस से भी शॉर्ट नोट्स के क्वेश्चन बनते हैं, बट एजीएन जो कंपलसरी क्वेश्चन बनता है वो इस टॉपिक से बनता है शॉर्ट नोट्स का। इसलिए मैंने बताया पहला चैप्टर आप कंपलसरी आप रखो, अदर ये दो में से आप ऑप्शनल ले लो कौन सा चैप्टर आपको बेस्ट करना है दोनों में से, और जो क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चन को पहले प्रीफर कर लेना। वो अगर हो जाते हैं आपके तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनेंगे तभी आप करना, बट अगर आपके इतने नहीं हो पाते तो फर्स्ट आपका प्रेफरेंस आप किसको दोगे, पहले इतने क्वेश्चन को। बट मैंने बताया जिनका हो चुका है उसके बाद दूसरे टॉपिक पे चैप्टर पे आप मत जाओ, पहले उसी टॉपिक का अदर क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। इन केस पेपर कुछ डिफरेंट अगर सेट हो जाता है तो क्वेश्चन आपके कंप्लीट होने चाहिए, कवर होने चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंस मैंने दिया। इन केस किसी किसी कॉलेज का क्या कुछ डिफरेंट सेट हो जाता है तो बच्चे थोड़ा नाराज हो जाते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिया था आपने वो आया नहीं है। बट मोस्टली जितने भी टॉपिक्स जितने भी ईबीएस हो गया, एफसी हो गया, इकोनॉमिक्स तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने देखा रहेगा, पेपर तो सेम सेट हुआ था, तो मोस्टली सेटअप हुआ, बट किसी कॉलेज का डिफरेंट। अभी एक कॉलेज के स्टूडेंट ने फॉलो किया था तो उनका पेपर ही डिफरेंट होता था, मतलब पेपर पैटर्न ही डिफरेंट जब सेट हो गया तो उसमें मैं कुछ नहीं सजेस्ट कर सकता। उनके कॉलेज का पेपर पैटर्न क्या था, एनी 5 out of 7, तो उस वे में मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया है। मैं जो वे से इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ भाई एनी 1 out of 3, ये जो कॉलेज मोस्टली दिए हैं कॉलेज ने प्रेफर किया उसका पेपर पैटर्न है। अब अगर आपका पेपर पैटर्न डिफरेंट सेट हो जाएगा तो फिर क्वेश्चन कॉमन सी बात है, कुछ अलग लेवल के कुछ डिफरेंट सेट हो जाएंगे। बट मेरा सजेशन है जिसके कॉलेज में ये पेपर पैटर्न है एनी 1 out of 3 प्रैक्टिस करना, एनी 1 out of 2 अगर जिसके कॉलेज में बनता है तो फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से चैप्टर को पिक करना है भैया अच्छे तरीके से, क्योंकि एक ऑप्शन आपका ऑलरेडी कम हो जाता है। तो आई होप इम्पोर्टेंस का वीडियो इम्पोर्टेंस क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। बीसी का बहुत सारे डिमांड आ रहा था बिजनेस कम्युनिकेशन को लेके, तो फाइनली मैंने बिजनेस कम्युनिकेशन के शॉर्ट नोट्स एंड लॉन्ग आंसर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया है। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि उनको भी इस वीडियो का हेल्प मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहाँ पे हमारा मैथ्स का रिविजन सीरीज चालू है। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे भी बताना चाहूँगा कि इम्पॉर्टेंट के जो भी हमारा सीरीज मैथ्स का चालू हो उसका एमसीक्यूज भी आपको फ्री प्रोवाइड कराया जा रहा है हमारे कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू, जिसमें मैं बता दूँ इंडेक्स नंबर का आपका ऑलरेडी एमसीक्यूज रेडी हो चुका है, प्लस जो हमारा थर्ड यूनिट का रिवीजन चालू हुआ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का भी एमसीक्यूज रेडी हो गया। आप कांटेक्ट करेंगे तुरंत आपको पीडीएफ जो भी है सेंड कर दिया जाएगा, तो और किसी भी आपके फ्रेंड सर्कल को, अदरवाइज आपको ही पीडीएफ चाहिए तो कांटेक्ट हो माई व्हाट्सअप नंबर जो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख जाएगा, मैसेज करेंगे आपको तुरंत जो भी एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव हो प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।